जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी का साथ छोड़ दिया, और वो बाकी कोई नहीं बल्कि मेरा पुराना दुश्मन रेड रिचर्ड और फैंटास्टिक फोर का लीडर है। तुम्हें पता है, उसने खुद को एक पर्पस के लिए इन्फेक्ट किया। उसने खुद को ये कन्विंस किया कि वो अपने लाइफ फॉर्म को एलिवेट कर रहा है, इसलिए उसने अपने टीम मेंबर्स को पहले इन्फेक्ट किया ताकि वो बाद में उसे इन्फेक्ट कर सके और वो लोग ये इन्फेक्शन पास करते गए दूसरों को। तो मेरे सामने हीरोज की बात मत करना डैज़लर, और ना ही तुम स्कारलेट विच। अब सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे दोस्त बहुत जल्द यहाँ पर अटैक करने आएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि खाने का भंडार खत्म हो चुका है, और उन्हें यह पता चलेगा कि दुनिया का आखिरी लिविंग मीट रिजर्वायर मेरे छत के और मेरे प्रोटेक्शन के नीचे है। लेकिन इस बीच मेरे साथ आओ और मेरी हॉस्पिटैलिटी का मजा लो, और मुझे ये दिखाने दो कि डूम अपने गेस्ट के साथ कैसे बर्ताव करता है, और वो उन्हें डिनर टेबल तक ले जाता है। कुछ घंटे बाद ऐश अपने रोबोटिक हैंड को देखते हुए कहता है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है अपने रोबोटिक हैंड में डालने की, तो वो है लॉक पिक, जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल पाता और उस टिन मैन को सबक सिखा पाता। तभी स्कारलेट विच उसे पुकारते हुए कहती है, चुपचाप और जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तब ऐश पूछता है, तुम उस वक्त कहाँ थी जब डॉक्टर डूम के वो साइड किक्स मुझे मार रहे थे? तब स्कारलेट विच बताती है कि हमें डूम की ज़रूरत है, इसलिए हम उसे खुलकर चुनौती नहीं दे सकते, और वैसे भी हमारे दोस्तों की गिनती अब कम है। स्कारलेट विच आगे कहती है कि डूम ने हमें दावत पर बुलाया था और अपने महानता के किस्से सुना रहा था। मैं उस रूम से बाहर चली आई अपनी म्यूटेंट पावर का इस्तेमाल करके, और अभी भी वो अपनी महानता के किस्से सुना रहा होगा। तभी एक डूम बॉट इंट्रूडर अलर्ट का मैसेज देते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ऐश कहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जो भी तुमने किया वो मुझे और मुसीबत में डाल देगा। तब वो डूम बॉट उन दोनों पर हमला करता है, जिसके जवाब में स्कारलेट विच उस पर वार करती है। तब ऐश पूछता है कि वो क्या था और तुमने डूम के साथ क्या किया। तब स्कारलेट विच उसे बताती है कि ये हेक्स पावर थी और ये डूम नहीं बल्कि डूम बॉट का एक डिफरेंट मोड है, ये रोबोटिक डुप्लीकेट है डूम का। और वो आगे कहती है कि चलो यहाँ से, हमें बाकी अगार से निपट कर उस बुक को ढूंढना है, इससे पहले कि डूम ये जान ले कि मैं गायब हूँ और तुम्हें छुड़ा चुकी हूँ। तब ऐश कहता है, नहीं, तुम और डैज पीछे जाओ उसके पास और उसे बिजी रखो, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद हम डूम को देखते हैं लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हुए, और लाइब्रेरी में जाकर वो अपने डूम बॉट से कहता है कि बाहर जाओ, मुझे यहाँ कुछ वक्त बिताना है, और द नेक्रोनोमिकॉन को बाहर निकालता है। उस पर वो बुक पूछती है कि क्या हुआ डूम, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। फिर डूम कहता है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, और वो अपना मास्क उतारता है। तब हम देखते हैं वो ऐश था। तब वो बुक कहती है द चूजन वन, उस पर ऐश कहता है, हाँ लेकिन तुम मुझे ऐश कह सकते हो, और मुझे तुम्हारा वो मैसेज मिला जो तुमने उस ओल्ड लेडी के थ्रू दिया था, दुनिया मरेगी और आर्मी ऑफ डेड जिंदा होगी, ऐसा ही कुछ था वो। अब तुम मुझे ये बताओगे कि यह सब शुरू कैसे होगा और ये ख़त्म कैसे करना है। तब वो बुक कहती है, मुझमें पहले से ही बहुत पावर है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मजबूर कर पाओगे ये सब बताने के लिए? तब ऐश अपना हाथ डूम के रोबोटिक हैंड से एक्सचेंज करता है और कहता है, तो तुम लेजर ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। तब वो बुक कहती है, ठीक है विलियम, अब सच्चाई सुनो, इस दुनिया तबाह करने वाले जोम्बी वायरस में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इसका ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल है ना कि सुपर नेचुरल, और ये इन्फेक्टेड लोग डेड है ना कि अनडेड, और अनडेड ही मेरे डोमेन आते हैं, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तब ऐश पूछता है, तो फिर तुमने जो कहा था कि दुनिया मरेगी और आर्मी ऑफ डेड जिंदा होगी, उसका क्या? तब वो बुक बताती है, देखा जाए तो ऐसा ही हुआ जैसे कि भविष्यवाणी थी कि दुनिया मरेगी और आर्मी ऑफ डेड जिंदा होगी, लेकिन बाकी बातें साफ साफ नहीं कही गई थी। तब ऐश कहता है, तो फिर तुमने वो मैसेज मुझ तक क्यों पहुँचाया? तब वो बुक कहती है, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ जितना कोई नहीं कर सकता। तुम्हें मारने के इतनी कोशिश के बाद तुम आखिरकार उस दुनिया में पहुँच गए जहाँ पर कोई होप नहीं थी, और मैं तुम्हें यह बताना चाहती थी कि यही सच्चाई है। तब ऐसले निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तब वो बुक कहती है कि तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा ऐसले विलियम्स। तब ऐश उस लाइब्रेरी से बाहर जाने लगता है और वो बुक उस पर हंसने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि वक्त हाथ से निकल रहा है डूम, तुम्हारे और पूरी दुनिया के लिए। उस पर ऐश कहता है, हाँ मुझे पता है कि वक्त हाथ से निकल रहा है और दुनिया तबाह होने वाली है,
अब तुम अपनी चाले चलना बंद करो। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो हैरान होकर देखने लगता है। तब ऐश को एक लड़की पिंजरे में बंद दिखती है और वो उससे पूछती है कि तुम डूम तो नहीं हो, लेकिन तुमने उसके जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। तब ऐश कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम जेल में बंद हो। तब वो कहती है कि मेरा नाम अमोरा है, लेकिन लोग मुझे इन्चेंटर्स कहते हैं। तब ऐश कहता है पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तब वो आगे बताती है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं खतरा हूँ डूम के लिए। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और डूम मेरी ताकत से डरता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद रखा है। तब ऐश कहता है तो ठीक है, तुम हमारे साथ आ जाओ। तब एंजेंट्रेस कहती है ठीक है, अगर तुम डूम के दोस्त नहीं हो तो हम एक साथ काम कर सकते हैं। देर बाद एंजेंट्रेस को आज़ाद करके ऐश वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है ये कैसल सिक्योर है ज़ॉम्बीज से, तो एक बार अगर हम डूम को बाहर फेंक दें तो ये जगह ह्यूमंस के लिए अच्छी होगी और हम यहाँ पर रिपॉपुलेटिंग भी कर सकते हैं और इसमें हमारा साथ देंगे लेटवेरियन रेफ्यूजीज। तब एंजेंट्रेस कहती है रेफ्यूजीज यानी अनइन्फेक्टेड लोग। तब वो कहता है हाँ, यहाँ पर दर्जनों या फिर हज़ारों होंगे और वो हमारी मदद करेंगे डूम के अगेंस्ट फाइट करने में, लेकिन हमें इसके लिए बहुत सारा फायर पावर चाहिए होगा और शायद तुम इसमें मदद कर सको। तो बताओ एंजेंट्रेस, तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तभी डैज़लर और स्कारलेट विच ऐश से कहते हैं कि यह तुमने क्या कर दिया। तब ऐश कहता है जेले सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बहुत सारे टैलेंट में से एक टैलेंट है। तब हम देखते हैं एंजेंट्रेस का ज़ॉम्बी रूप और ऐश डैज़लर और स्कारलेट विच से कहता है मैं तो पहले से ही सुंदर चीज़ों का शौकीन हूँ,